इससे होता सदा चमत्कार है, इससे होता सदा चमत्कार है। श्री प्रणाम ने दिया ये उपहार है, भक्त मर के सार का अद्भुत ये हार है। वर्तमान में भौतिकता का भूत सारी दुनिया पर इस कदर छाया है कि हम आमदनी कम करते हैं और खर्चा रुपया के बराबर होता है। आज वर्तमान में जितनी बैंकें हैं वह आपको लोन दे रही है, ऋण दे रही है आपको अपने अधीन करने के लिए। आप जो भी कमाते जाओ बैंक के लिए कमाते जाओ, यह पूरा परिवार ऋण में गिरफ्त हो जाया करता है। याद रखना, जीवन में सादा भोजन कर लेना, सादा जीवन जी लेना, लेकिन कभी ऋण मत लेना। लेकिन करें क्या, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ा व्यापार चाहिए, बड़ी फैक्ट्री चाहिए, लोगों को स्टेटस दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। लेकिन इस बड़े आदमी के पीछे एक शब्द छिपा है, उसका नाम है ऋण। वह ऋण से जुड़ा है, कर्जा से जुड़ा है। अब आप लेना ही चाहते हो कर्जा, बस इतना ध्यान रखें आप कभी भी मंगलवार को संक्रांति के दिन जिस दिन वृद्धि योग हो, हस्त युक्त रविवार हो, उस समय कभी आप ऋण नहीं लेना। यदि आप इस समय ऋण लोगे तो जीवन में कभी पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण चुका नहीं पाएगी, हमेशा कर्जा में ही डूबी रहेगी। आज व्यक्ति तन से कम बीमार है और ऋण कर्ज को चुकाने में सबसे ज्यादा बीमारी को मोल लेता जा रहा है। मानसिक बीमारी के हम सभी लोग शिकार हैं। यदि हम मंगलवार को ऋण चुकाते हैं तो बहुत जल्दी चुक जाता है और बुधवार को कभी भी किसी को धन नहीं देना। उधार मांग रहा है बुधवार को नहीं देना, चुकाना है तो आप मंगलवार से चुकाओगे तो आप ऋणमुक्त हो सकते हो, आपका जीवन सुखी रहे, मन से आपका जीवन आनंदित रहे, प्रसन्नचित रहे। इसीलिए मैंने आपको ये कुछ उपाय आपके लिए बताए हैं। बस इस दिन का ध्यान रखें, इस मुहूर्त का ध्यान रखोगे तो आप अपने जीवन में सुख शांति के साथ आत्मीयता के साथ पूरा जीवन यापन कर पाओगे।